पिछले वीडियो में हमने पेशेंट्स राइट चार्टर में दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स की जानकारी ली। इस वीडियो में हम पेशेंट्स के अन्य राइट्स जानेंगे। राइट टू चूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस। पेशेंट को अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स और उसके हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स बताना जरूरी है। अल्टरनेट ट्रीटमेंट चूज करने से पहले डॉक्टर्स को पेशेंट से लिखित स्वरूप में एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है। राइट टू सेकेंड ओपिनियन। दूसरे डॉक्टर से एक ओपिनियन लेना पेशेंट और उसके केयर गिवर का अधिकार है। अगर कोई पेशेंट अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में सेकेंड ओपिनियन लेना चाहे तो डॉक्टर्स इस बात पे दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स। हॉस्पिटल्स की ये ड्यूटी है कि किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट और देखभाल से रिलेटेड रेट्स हॉस्पिटल की दीवार या ब्रोशर पर इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस में डिस्प्ले करे। राइट टू चूज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट्स। दवाई कहाँ से लेनी है और मेडिकल टेस्ट कौन से लेबोरेटरी से करनी है ये डिसाइड करने का पूरा हक पेशेंट को है और इस बात से हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राइट टू रेफरल एंड ट्रांसफर। पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है तो कुछ बातें उनको पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसफर की वजह, ट्रांसफर के ऑप्शंस और ट्रांसफर के बाद कौन सी दवाई और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है इत्यादि। राइट टू टेक डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट और रिसीव बॉडी ऑफ डिजीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट या उसके रिलेटिव्स ने हॉस्पिटल बिल्स पे ना किया हो तो भी उन्हें डिस्चार्ज लेने का हक है। रिलेटिव्स या केयर गिवर्स को ये हक है कि वो मृत व्यक्ति की बॉडी ले जा सके। ऐसा करने से उन्हें किसी भी रीजन से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें जानने का अधिकार, क्लिनिकल ट्रायल्स और बायोमेडिकल रिसर्च के दौरान सुरक्षा, शिकायत करने और न्याय पाने के अधिकारों को भी इस चार्टर में शामिल किया गया है। डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है कि वो पेशेंट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करे। वो पेशेंट के हित में ना हो तो भी उनका इलाज जबरदस्ती ना करे। ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स को हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकारी देना ना भूले। सारे स्टेट्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स, मेडिकल क्लिनिक्स की ये ड्यूटी है कि वो इस चार्टर को जल्द से जल्द लागू करे और इसका नियमित रूप से पालन करे, ताकि मेडिकल सिस्टम पर देश के नागरिकों का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो।